मथुरा में बीजेपी का कमल छाप डबल इंजन लगने के बाद, राज्य में भी बीजेपी सरकार बनने के बाद, आज त्रिपुरा में गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, गरीब बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, आयुष्मान भारत के तहत लाखों परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। भाइयों और बहनों, देश के किसानों के नाम पर क्या क्या वादे, क्या क्या बातें नहीं की गई, लेकिन किसान के बैंक खाते में सीधी मदद पहुंचे, ये पहले किसी ने सोचा नहीं था। त्रिपुरा के लगभग 5.5 लाख छोटे किसान परिवारों के बैंक खाते में हर वर्ष 350 करोड़ रुपए से अधिक जमा होने की दिशा में हमने निर्णय किया। ये व्यवस्था भी चौकीदार ने की और पैसे जमा होना शुरू हो गया। 1.5 लाख से अधिक किसान परिवारों के खातों में पहली किस्त तो पहुंच भी चुकी है। यहाँ त्रिपुरा की हमारी सरकार ने पहली बार किसानों से सीधे खरीदारी का काम शुरू किया, जिससे आप सभी को बहुत लाभ हो रहा है। बिचौलियों, कमीशनखोरों, फर्जी लोगों का जो नेटवर्क लेफ्ट के राज में था, उसको ध्वस्त कर दिया है। साथियों, मुझे याद है कि मैंने विधानसभा चुनाव से पहले त्रिपुरा को हीरा HIRA देने का वादा किया था। याद है ना? याद है कि नहीं है? हीरा देने का वादा किया था। उस दिशा में बीते 1 वर्ष में बहुत काम हुए हैं। त्रिपुरा को ब्रॉडगेज रेल लाइन का काम लंबे समय से अटका था, इसे पूरा हमारी सरकार ने किया है। अगरतला से बेलोनिया तक रेल लाइन का विस्तार हो, राजधानी एक्सप्रेस हो, त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस हो, देवगढ़ एक्सप्रेस हो, आज त्रिपुरा देश के बड़े शहरों से सीधा जुड़ रहा है। गांव-गांव में सड़कों और नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। अगरतला के महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। त्रिपुरा से बांग्लादेश की राजधानी को जोड़ने के लिए फैनी नदी पर पुल बनाने की भी स्वीकृति हमने दे दी है। नदी जलमार्ग के माध्यम से त्रिपुरा को दूसरे राज्यों और पड़ोसी देशों से जोड़ने का काम भी चल रहा है। सौभाग्य योजना के तहत त्रिपुरा के करीब करीब हर परिवार तक हम बिजली उनके घर तक पहुंचा दिए हैं। साथियों, नए भारत के, नए त्रिपुरा के सपने और आकांक्षाएं बड़ी है। आकांक्षाओं और देश के सपनों को सम्मान तभी मिल सकता है जब देश के संसाधनों पर सभी का समान अधिकार हो। देश में रहने वाले हर वर्ग, हर कोने को आगे बढ़ाने के समान अवसर मिले। साथियों, त्रिपुरा में सरकार को अभी लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन परिवर्तन दिख रहा है। आज कानून व्यवस्था नियंत्रण में है, सड़क पर बिना भय चलना आसान हुआ है, वसूली गिरोह का डर खत्म हुआ है। इतना ही नहीं, अब तो आप निश्चिंत होकर अपने आराध्य की पूजा भी कर सकते हैं। 1 वर्ष के भीतर ही यहाँ की हमारी सरकार ने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का प्रयास किया है। जो टीचर्स हैं, उनकी समस्याओं को पूरी संवेदना के साथ सुलझाने के लिए प्रयासरत है। जनजातियों के लिए भी हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो लंबे समय से अधिक अधिकार की मांग कर रही थी, उसको पूरा कर लिया गया है। इससे अब विकास कार्यों में, फंडिंग में काउंसिल की शक्तियां बढ़ी है। इतना ही नहीं, इस बार केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें जनजातीय कल्याण के लिए लगभग 30% की बढ़ोतरी की गई है।